हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हमारी रहने वाली है, देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, क्या वो आज सुबह आपको मिस कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। इसमें हम देखेंगे आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए तो देखेंगे ही, आपको क्या करना चाहिए ये भी देखेंगे। इसके साथ ही देखेंगे हम कि एंजल्स आपको क्या बता रही हैं। एंजल से भी पूछेंगे कि हाँ, एंजल्स का क्या कहना है आपको, है ना। ये है, तो चलो फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको, ठीक है ना। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो जिससे मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ लेकिन मुझे आशा है कि जो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं वो लोग तो सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, और आप लोग मुझे एक ना एक दिन सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही बता दूं कि जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, चाहे टैरो रीडिंग लेनी है हो, या फिर कुंडली रीडिंग लेनी हो, या फिर मुझसे पाम रीडिंग लेनी हो, आप लोग जो है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बुकिंग को कन्फर्म करवा सकते हैं, और जो भी रीडिंग होगी एक्यूरेट रीडिंग होगी, ठीक है। चलिए, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स, सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। चलो, कार्ड्स तो आ चुके हैं मेरे पास, ठीक है, 6 कार्ड्स आ चुके हैं मेरे पास। चलो देखते हैं। वाओ, ओवरऑल एनर्जी द सन, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है। आपकी ज़िंदगी हमेशा सन की तरह चमकती रहे, ईश्वर से प्रार्थना है ये। चलो देखते हैं कि क्या है। और किंग ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द फूल का कार्ड है। अभी तो है तुम से, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, दोनों में किसी किसी ना किसी बात को लेकर के तकलीफ हो रही है ना। दोनों में किसी ना किसी बात को लेकर के प्रॉब्लम हुई है, और प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा तकलीफदायक रहा है ये, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा तकलीफदायक। मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स को देखूँ, इमोशंस को देखूँ, तो यहाँ पे मुझे ये पर्सन जो है ना आपके लिए मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इनकी दिख रही है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है ये पर्सन, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी के अनुसार से ये भी फील होता है कि ये पर्सन जो है ना आपको मिस तो कर रहे थे आज, ठीक है, मिस तो कर रहे थे। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे थे उठते उठते, ठीक है ना। देखो ना, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन नाइन ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में है, ठीक, यानी कि यहाँ पे दर्द है, तकलीफ भी है, और तकलीफ इस बात का है कि बात नहीं हो रही है, और आप दोनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ नहीं आ पा रहे हो, एक दूसरे के साथ नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस कदर ये पर्सन रो रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पे ये पर्सन रो रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है इस पर्सन को। और ये पर्सन, लेकिन यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि ये पर्सन अपने ईगो में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, ईगो बहुत ज़्यादा है, एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा है, कूट कूट के भरा वो उसमें ईगो और एटीट्यूड, ठीक है, आपके पर्सन के अंदर। इसकी वजह से तो ये पर्सन अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, फीलिंग को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और
फीलिंग को ना एक्सप्रेस करने की वजह से यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा दर्द में भी होते हैं, तकलीफ़ में भी होते हैं। आई थिंक आप चाहते हो कि ये जो है ना पर्सन अपने अपनी फीलिंग को शेयर करे, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को, या जो भी फील करते हैं ये पर्सन अपनी फीलिंग को शेयर करे। बट ये पर्सन जो है ना यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है ना शेयर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और आज सुबह जो है ये पर्सन, देखो एक तो इस पर्सन ने सपना देखा आपका, ठीक है, सपना देखा है इस पर्सन ने, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सपना देखा है इस पर्सन ने, और उस सपने में कुछ ऐसी चीज़ें, ख़राब चीज़ें देखी हैं कि इस पर्सन को रोना आ गया, ठीक है, और उस उसकी वजह से जो है ना यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेविल की एनर्जी, निगेटिव एनर्जी, सपना बहुत ख़राब था जिसकी वजह से जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। ठीक है, सपना बहुत ही ज़्यादा ख़राब, इसकी वजह से ये पर्सन को रोना आ गया। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हालांकि इस पर्सन ने अपने आप को संभाल लिया, किसी ऐसे हो सकता है कि किसी अपने गुरु से बात किया हो, किसी टैरो कार्ड रीडर से बात किया हो, जो ये सपना इन्होंने देखा है उसके बारे में किसी ना किसी से इन्होंने शेयर किया, किसी ने किसी से बात की कि हाँ आज मैंने ये सपना देखा, कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है, कहीं कुछ ऐसा अनहोनी तो नहीं होने वाला है। द हायरोफेंट की एनर्जी है, आपके पर्सन सजेशन लेने के बारे में, ये सजेशन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने सजेशन लिया है, अपने घर में ही किसी ऐसे पर्सन को इन्होंने जो है बताया होगा, जो इनके इनके बहुत करीब होगा, जो भी सपना इन्होंने देखा उसके बारे में। ठीक, मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कहीं हद तक अपने आप को समझ रहे हैं कि हाँ इन्होंने जो है ना गलती की है, इन्होंने वो मूर्खता की है। ठीक है, आपसे बात ना करके, आपसे बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट ना रख करके, ठीक है, तो इन्होंने मूर्खता की है। ठीक, सो मैं यही कहूँगी कि देखो यहाँ पे ये पर्सन जो है ना दिख रहा है कि हाँ तकलीफ़ में तो है, ये पर्सन तकलीफदायक रहा है काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन, सुबह की एनर्जी काफ़ी इनकी जो है ना वो मन जो है ना इनका बेचैन था। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग कॉल बिल्कुल भी ना करें, व्हाट्सएप कॉल करने लगते हैं, जिससे जो है व्हाट्सएप हैंडल करते हैं या करती हैं उनको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप कॉल बिल्कुल भी ना करें, जो भी बोलना है मैसेज करके बोल दीजिए। ठीक है, जो भी करना है मैसेज में बोल दीजिए, ताकि मैसेज में आपको रिप्लाई हो, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको कॉल आपका कॉल रिसीव करके आपसे बात करें, है ना, बताओ मैं गलत कह रही हूँ, मैं तो होती नहीं व्हाट्सएप पे। सो प्लीज़ आप लोग जो है ना थोड़ा सा कॉल ना करें तो ही बेहतर होगा, मैसेज छोड़ दिया करें बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ, और दसन का कार्ड है, आपके पर्सन जो है ना अब आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे, दसन आपका सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है मुझे, आपका सपना, ये खूबसूरत सा सपना, दसन की एनर्जी, मेरा एक सपना है कि तू ही मेरे सपनों में। चलो एनर्जी ऑरिकल डेक से देख लेते हैं कि क्या है अभी की एनर्जी, ठीक है, आपके पर्सन की, प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। मैं अभी की एनर्जी देख रही हूँ, यानी कि ये टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज गाइड कीजिए। वन मोर कार्ड प्लीज। चलो ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड मैं ले रही हूँ यहाँ पे, डोर टू पर्सनल हीलिंग का कार्ड है, द थिंकिंग वुमेन, डोर टू स्पिरिट,
ओहो, यहाँ पे भी वही है, नंबर 25, नंबर 17 एक्शन का कार्ड है। ठीक है, नंबर देख लो, नंबर 34, नंबर 47, नंबर 32, नंबर 25 एंड नंबर 17। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड है, ये इस कार्ड के नंबर्स हैं मेरे पास, जो कि मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके जो कार्ड्स हैं आपके अनुसार से, यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी के अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन को क्या करना है, अपने आप पे हीलिंग करनी है, अपने आप पे वर्क करना है, अपने आप के जो है ना पर्सनल ग्रोथ पे जो है ना इस पर्सन को वर्क करना है। ये पर्सन हीलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन के दिल में आ रहा है हीलिंग करने के बारे में, और ये पर्सन काफ़ी हद तक डीपली, ठीक है, डीपली थिंकिंग कर रहे हैं। डीपली सोचने का मतलब है कि हर एक एरिया से, मतलब कि आप इनके लिए कैसे हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, क्या फीलिंग्स हैं आपके दिल में इनके लिए, आप इनके लिए लॉयल हो नहीं हो, है ना, हर तरीके से ये पर्सन जो है ना सोच रहे हैं आपके बारे में। और ये पर्सन कहीं हद तक आपको जो है मैं देख पा रही हूँ कि आपसे मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं। देखो यहाँ पे टू कार्ड्स आए हैं जो कि बता रहे हैं कि न्यू बिगनिंग तो होनी है, न्यू बिगनिंग न्यू बिगनिंग होनी है आपकी, आपके पर्सन के साथ यहाँ पे, क्योंकि एंजल्स एंसेस्टर्स है ना, स्पिरिट्स गाइड्स जो हैं यहाँ पे इनका साथ दे रही हैं, और आपके पर्सन का ऐसा है कि हाँ आपके पर्सन जो है ना आपकी तरफ मूव करने वाले हैं, यानी कि आपकी तरफ आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कार्ड्स में, और यहाँ पे ये भी है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन, मैंने पहले भी कहा यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, यानी कि आपके पर्सन के और आपके बीच, ठीक है, कोई तीसरा पर्सन है, कोई भी हो सकता है, इनके घर का, बाहर का, कोई भी, बट यहाँ पे निगेटिव एनर्जी है, निगेटिविटी है, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि निगेटिविटी होने के कारण से, ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपके पर्सन भी आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे हो लेकिन ये पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं बताओ, क्योंकि यहाँ निगेटिविटी है, निगेटिव वाइब्रेशन है, निगेटिव पर्सन है, यहाँ पे निगेटिविटी इनको रोक रही है, काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी रोक रही है इनको। ठीक, सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन के आसपास जो है ना निगेटिव थाट्स हैं, निगेटिविटी है, जिसकी वजह से जो है ना आप दोनों के रिलेशनशिप पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, एक्शन का भी कार्ड है, एक्शन का कार्ड मुझे यही दिख रहा है, एक्शन का कार्ड मैं देख पा रही हूँ कि एक्शन मतलब कि जो होता है ना कि हाँ आपके पर्सन जो है ना एक्शन लेने के बारे में भी इनकी जो है ना आज, जैसे कि सुबह में इनको सपना आया था और डरावना सपना था, तो आपको पता ही है कि डरावने सपना आता है तो फिर मन घबराने लगता है, और ये पर्सन का मन घबरा रहा है, और ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, एक्शन ले लेना चाहिए क्या, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए क्या, मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए क्या, है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना एक्शन तो लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है कि हाँ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, तो एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन इनकी एनर्जी के अनुसार से, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है एक्शन लेते हुए मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। ठीक है, पहले इस कार्ड से देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम देखेंगे एंजल से पूछेंगे आपके क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, आपके मन में अभी बहुत सारे प्रश्न भी चल रहे होंगे मुझे पता है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक न जाने थे, प्लीज़ गाइड कीजिए। है आपके निगाहों का पेशेंस, दुनिया हुए ला 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 फॉरगिवनेस। यहाँ पे दो कार्ड आ गए मेरे पास, ठीक है, प्यूरिफिकेशन एंड ट्रूथ का कार्ड है। ला 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 वाओ कितना खूबसूरत सा कार्ड है, विलिंगनेस का कार्ड है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे मुझे यहाँ दिख रहा है आपके पर्सन का, ठीक है ना, आपके पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है कि देखो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको कहा जा रहा है एंजल्स हो का है कहें या फिर यूनिवर्स को कहें, तो आपको गाइडेंस के रूप में यही कहा जा रहा है कि देखो बेटा पेशेंस रखो, ठीक है, पेशेंस रखोगे तभी आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। ठीक, क्या होता है ना कि किसी चीज़ की संतुष्टि अगर हमें हो जाए ना,
फिर वो चीज़ें जो है ना होने में ना जो है ना टाइम नहीं लगती है, और वो एंजल्स एंसेस्टर्स जो है ना आपकी पहचान लेते हैं कि हाँ आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो पेशेंस रखो। ठीक, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इतना टाइम वेट कर लिया, और थोड़ा टाइम और, ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा टाइम और, है ना। फॉरगिवनेस, यहाँ पे फॉरगिव करो। ठीक है, देखो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती रहती हैं, तो ज़िंदगी में माफ़ करना भी सीखना चाहिए, है ना। माफ़ करना भी चाहिए, और हर गलती हर किसी से होती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसके से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देंगे। नहीं, सच को जानो, ट्रुथ का भी कार्ड है, सच को जानो। सच्चाई क्या है आपके रिलेशनशिप की, सच्चाई क्या है, आप क्या चाहते हो, आप अपने आप से क्या चाहते हो, पूछो, अपने दिल से पूछो, अपनी अंतरात्मा से पूछो, अपने मन से पूछो। ठीक है, और वो सच जो है ना आपके सामने आएगा। प्यूरिफिकेशन, यहाँ पे जो दिख रहा है ना कि हाँ अपने आप को देखो, अपने आप को जो है ना, अपना मन गंदा नहीं होना चाहिए किसी के प्रति, अपना मन गंदा नहीं होना चाहिए, अपने आप को स्वच्छ रखा जाए तो ही बेहतर है। अपना आपका मन स्वच्छ है, आपको ज़रूर मिलेगा आपका प्यार। अगर आपका मन ही स्वच्छ नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, सिर्फ जो होता है ना कि हाँ जो दूसरों को देख करके जलते हैं, तो उनको क्या होता है, क्या होता है, वो निगेटिविटी क्रिएट करते हैं, और वो खुद के लिए भी निगेटिविटी क्रिएट करते हैं और दूसरों के लिए भी करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है कि नहीं, आपके पर्सन जो है ना एकदम से जो है दिख रहा है कि हाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, और आपको पेशेंस रखना है। ठीक है ना, इंतज़ार करो, इंतज़ार का फल बहुत मीठा होता है। सारे बादल छटने वाले हैं, और अब जो है खुले आसमान में आप उड़ने वाले हो, खुले पक्षी की तरह, है ना। सो ये है, चलो अब एंजल से पूछ लेते हैं आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहा है उसका आंसर क्या देती हैं एंजल्स। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के मन में चल रहा है उसका आंसर क्या है, क्या कहना चाहेंगी आप, क्या गाइडेंस देना चाहेंगी आप, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ज़्यादा कार्ड्स हम नहीं लेंगे, मैं वन कार्ड ही निकालूंगी। ठीक है, वन कार्ड जो आ जाए। प्लीज़ गाइड कीजिए। चलो ये कार्ड आ रहा है, सो यही मैं ले रही हूँ, देखते हैं क्या है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, वूहू, आप दोनों का रियूनियन होने वाला है, देख लो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, है ना। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि वाओ, बहुत ही अच्छा अच्छा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, सपने पूरे होने वाले हैं कुछ महीनों में। वेट कर लो। सो मिलते हैं अगले रीडिंग में फिर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।